तो दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल को स्टार्ट करने के लिए आपके पास लाखों रीजन हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने YouTube चैनल को 2021 में क्यों स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा क्या खास हो चुका है अभी, ऐसा क्या सोशल मीडिया का पावर हो चुका है जो आपको अपने एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आपको किसी भी प्रकार का वीडियो क्रिएटर या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहिए, ऐसा कौन सा कारण है, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर क्यों बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप इस वीडियो को ध्यान से और आखिरी तक देखते रहिए, आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आपको एक YouTube चैनल स्टार्ट करने का या फिर किसी भी प्रकार के वीडियो क्रिएट करने का जो फर्स्ट बेनिफिट होता है या जो फर्स्ट कारण है दोस्तों, जो मेरे नज़र में है, वह है दोस्तों, आप जब किसी भी प्रकार का वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपके अंदर लाज शर्म होता ही नहीं है कि किसी के सामने बोलने में हमें लाज लग रहा है, या फिर दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है या फिर बॉडी लैंग्वेज सुधरता है। आपने देखा होगा कि जब आप पहला वीडियो क्रिएट करते हैं तो आपको खुद वो वीडियो पसंद नहीं आता कि भाई कैसे बोल रहा हूँ अपने वीडियो में, लेकिन दोस्तों आप जब 8-10 वीडियो क्रिएट कर लेते हैं तो वहाँ पे दोस्तों आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही इम्प्रूव हाई लेवल पे चला जाता है, और दोस्तों ये इम्प्रूव होता ही रहता है। आप जब 5 वीडियो आगे क्रिएट करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा पिछला वाला वीडियो से इसमें इम्प्रूव है, मैंने पिछले वीडियो खराब बनाया था लेकिन ये वीडियो सही है। तो आप दिन पर दिन यहाँ पे अपने कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते जाते हो। तो दोस्तों, मेरे नज़र में आपको YouTube चैनल स्टार्ट करने का जो फर्स्ट बेनिफिट है वह यही है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल और बॉडी लैंग्वेज बहुत ही हद तक इम्प्रूव होता है। YouTube आपको कुछ दे या फिर ना दे, लेकिन ये सारी चीज़ें जरूर देता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है, क्योंकि आपको कैमरे के सामने दोस्तों बोलना पड़ता है, और कभी खुद बोल के देखिएगा कि कैमरे के सामने बोलने में कितना मज़ा आता है। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कम्युनिकेशन स्किल बेटर करने से हमें कितना बेनिफिट होता है, चाहे हमें किसी प्रकार का प्रेजेंटेशन देना हो या फिर जॉब इंटरव्यू देना हो या फिर किसी भी स्टेज पर खड़ा होकर बोलना हो। यदि आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप एक कैमरे में अपने आप को रिकॉर्ड करते हैं, तो आपके बाद जब आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर बोलने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं या फिर आप डेली करते हैं, आपके डेली लाइफ में है। अगर आप वीडियो डेली शूट करते हैं तो आपके डेली लाइफ में है, हमें बस माइक पकड़ा दिया जाए उसके बाद तो हम बोलना शुरू ही कर देते हैं। तो जब आप कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि आपके जीवन में कितना आपके लिए बेनिफिट साबित करता है, आपके लिए कितना बेनिफिटफुल है। अब दोस्तों, जो मेरे ख्याल से अगला जो दोस्तों दूसरा नंबर रीजन है जो आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, वह है दोस्तों पॉपुलैरिटी या फिर फैन फॉलोइंग की वजह से। आपको पता होगा दोस्तों कि 2021 में सोशल मीडिया का पावर कितना आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे दोस्तों अगर अच्छी चीज़ें हो रही है तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी हो रहा है तो बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहा है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक नया नियम लगाना पड़ रहा है कि सोशल मीडिया पे आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अभी जो सोशल मीडिया का पावर है दोस्तों बहुत ही आगे बढ़ चुका है, और यदि आपके पास कुछ फैन फॉलोइंग है, आपके पास फॉलोअर्स हैं, आपके पास कुछ ऑडियंस है, तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप ज़िंदगी में कभी भूखा नहीं मरने वाले हो, क्योंकि दोस्तों जिसके पास ऑडियंस है, जो उसका बात को मानता है या फिर उसके बताए हुए चीज़ों को मानता है, तो उसको दोस्तों कमाई करने के उसके पास लाखों ऐसे मतलब तरीके हैं जिससे कि वह कमाई कर सकता है। वह स्पॉन्सरशिप कर सकता है, ब्रांड्स के साथ कुछ डील कर सकता है, कोलैब कर सकता है, या फिर कुछ भी। दोस्तों आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ ऑडियंस हो तो आप वहाँ से कमाई कर सकते हैं। आपको YouTube चैनल स्टार्ट करने का दूसरा रीज़न यही है दोस्तों कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है। आपको पता होगा कि जब TikTok पहले आया था, अभी तो TikTok इंडिया में बैन हो चुका है, तो वहाँ से जितने भी क्रिएटर्स थे आज Instagram पे वीडियो बना रहे हैं और उनका Instagram अकाउंट वेरीफाइड भी है, उनके Instagram पे ब्लू टिक लगा हुआ है, तो वह एक बिग क्रिएटर बन चुके हैं दोस्तों अपने इंडिया में, और वह किसी भी ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। तो आपको दूसरा बेनिफिट यही मिलने वाला है कि आपके पास एक कोर ऑडियंस आने वाली है जो आपके कहे बातों को मानती है। अब दोस्तों, जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से सभी लोग सोशल मीडिया करना चाहते हैं या फिर कुछ भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि सबसे बिगेस्ट रीजन है दोस्तों, वह है अर्निंग, यानी कि पैसा। हाँ दोस्तों, इसमें कोई भी शक नहीं है कि यूट्यूब पे जितना पैसा है, जितना आप यहाँ से कमा सकते हो, अगर आप कंसिस्टेंसी काम करते हो, अगर लोगों के ज़िंदगी में एक वैल्यू ऐड करते हो, आप एक यूनिक कंटेंट देते हो, आप लोगों के पास एक अच्छा खासा कंटेंट पहुंचाते हो जिससे उनके कुछ नॉलेज इंप्रूव होता है, तो आप यूट्यूब पे इतना पैसा कमा सकते हो जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब में या फिर किसी प्राइवेट जॉब में नहीं है। अब दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि वह एक अलग माजरा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, यूट्यूब पे जितना पैसा है वह किसी जॉब के टक्कर नहीं दे सकता है। आप यहाँ पे देखते होंगे कि यहाँ पे जो
15, 16, 17 साल के बच्चे होते हैं, वह उनकी अर्निंग दोस्तों लाखों में होती है। एक आईटी में काम करने वाले बंदे से भी उनकी अर्निंग ज़्यादा होती है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि यूट्यूब का जो इनकम है वो किसी जॉब को टक्कर नहीं दे सकता है। यहाँ पे अर्निंग बहुत ही ज़्यादा है, बशर्ते आप कंसिस्टेंसी काम करें और एक सही डायरेक्शन में काम करें। अब दोस्तों अगर आप यूट्यूब पे आ जाते हो, यहाँ से आप एक कोर ऑडियंस बिल्ड कर लेते हो दोस्तों, तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ से पैसे छापने का मल्टीपल तरीका है, तो ऐसे में दोस्तों अभी 2021 में यूट्यूब का जो है बहुत ही अर्निंग ज़्यादा हो चुका है और हमारा कंट्री का जो RPM है दोस्तों बहुत ही इम्प्रूव हो रहा है, तो अभी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप यदि किसी प्रकार का स्टडी करते हो या फिर किसी प्रकार का जॉब भी करते हो तो आपको यूट्यूब शुरुआती में फुल टाइम नहीं करना है, आपको पार्ट टाइम ही स्टार्ट करना है। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे रोज़ लाखों चैनल ओपन होते हैं, लेकिन उनमें से एक आधे चैनल ऐसे हैं जो आगे जा पाते हैं, बाकी लोग डिमोटिवेट या फिर किसी कारणवश चैनल ना ग्रो होने से वो यूट्यूब छोड़ देते हैं। तो यूट्यूब आपको अर्निंग देख के शुरुआत करना है, या फिर मैं बोलूँगा दोस्तों अगर अर्निंग ना भी हो तो हमें यूट्यूब शुरुआत करना चाहिए, हमें ऑडियंस और फैन फॉलोइंग के लिए काम करना है। तो हो सकता है दोस्तों कि आपका चैनल ग्रो ना भी करे, तो आप अर्निंग पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, लेकिन यदि आपके पास कोर ऑडियंस आ जाती है दोस्तों तो आप अर्निंग बहुत ही अच्छा खासा कर सकते हो। अब दोस्तों मेरे हिसाब से जो चौथा नंबर है दोस्तों वो है नॉलेज। आप वीडियो बनाते हो जिससे आपका ऑडियंस देखती है, तो उनको तो नॉलेज मिल रहा है, लेकिन आप वीडियो कैसे बनाते हो? ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर सब कुछ है, आप वीडियो बनाने से पहले उसको रिसर्च करते हो, उसके बारे में आपको खुद को नॉलेज होता है। तो यहाँ पे दोनों लोगों का बेनिफिट है, आपका भी नॉलेज इंप्रूव हो रहा है और ऑडियंस का तो नॉलेज इंप्रूव हो ही रहा है। अब दोस्तों आपको एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का जो दोस्तों पांचवा रीजन है वो है दोस्तों कि आपको यूट्यूब पे घर से काम करना पड़ता है, ना हमारे पास कोई ऑफिस है, ना कोई जॉब है, ना हमारा कोई बॉस है। यहाँ पे दोस्तों आप जो भी करते हो खुद के लिए करते हो, आप खुद के ही बॉस हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे काम ही ना करो या फिर इसका कुछ गाइडलाइन नहीं है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही रूल और टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको ध्यान में रख के आपको काम करना है। तो लेकिन दोस्तों यूट्यूब पे एक ऐसा है कि आप चाहे रेंट के घर पे रहते हो, या फिर आप दोस्त के घर पे रहते हो, या फिर आप किसी लॉज में रहते हो, या फिर दोस्तों आपके पास मतलब समझ सकते हो कि अच्छा खासा सेटअप भी नहीं है, तो आप कहीं पर भी आउटडोर में शूट कर सकते हो। आप सिर्फ एक फ़ोन से YouTube वीडियो बना सकते हो और उसको YouTube पे अपलोड कर सकते हो। अब दोस्तों आपको पता होगा कि पेंडेमिक के सिचुएशन में सभी के जॉब गए हैं, लाखों के बिजनेस बर्बाद, करोड़ों के बिजनेस बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों जो YouTube चैनल है उसको सिर्फ एक घर में रहकर ही काम करना है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमें एक घर के अंदर रह के ही काम करना है यूट्यूब पे। तो दोस्तों वीडियो के आखिरी में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि यदि आपके पास कुछ खाली समय है, आप खाली समय में कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं, तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, चाहे आप वेबसाइट पे ही काम क्यों ना करें, यूट्यूब पे ही क्यों ना करें, तो आपको ऐसे में एक ऑनलाइन काम करना चाहिए। अब दोस्तों मान लीजिए 1000 रीजन है जिसके वजह से आपका वीडियो नहीं चलेगा, लेकिन कोई एक तो रीजन होगा जिसके आपका वीडियो सच में चल जाए। और दोस्तों यहाँ से अगर एक बार आपकी गाड़ी चल पड़ी तो समझ जाइए यहाँ से आप बहुत ही लाखों करोड़ों में रुपये छाप सकते हैं दोस्तों। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।